कांवड़ यात्रा को लेकर रेलवे प्रशासन ने भक्तों के लिए व्यवस्था की है, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। रेलवे स्टेशन पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक का ये कहना है कि रेलवे में रुके हुए कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यात्री सुविधाओं को लेकर भी काम किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने डिवीजन के सभी स्टेशन पर व्यवस्थाएं की हैं, जिससे भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और भक्तों को यात्रा करते समय कोई भी समस्या ना होने पाए। मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डिवीजन के सभी स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कई सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे की निगाह में पूरा स्टेशन परिसर रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, उसके लिए भी सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पत्रकारों के माध्यम से रेल यात्रियों से उन्होंने अपील की है कि कोई भी समस्या होती है तो तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करें, जिससे उस समस्या का समाधान भी किया जा सके। देखिए, हरिद्वार स्टेशन पे हम लोग ने दो ट्रेन अपनी ऐसी हैं जिनका की एक्सटेंशन दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए और सहारनपुर से कनेक्ट करने के लिए एक्सटेंशन वहाँ तक का करा है। इसके अलावा करीब 6 पेयर हमारी ट्रेन ऐसी चलती हैं जो अभी बीच के किसी इंटरमीडिएट स्टेशन पर रुकती नहीं है, उनका स्टॉपेज इंटरमीडिएट स्टेशन पर करा गया है। कुछ और अरेंजमेंट भी हम लोगों ने करे हुए हैं जो रेक्स हम लोग के पास अवेलेबल रहेंगे, अगर हमारी भीड़ बढ़ती है उन स्टेशन पर तो उनको ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में चलाने के लिए या हरिद्वार से दिल्ली के डायरेक्शन में चलाने के लिए हम लोगों ने वहाँ रखे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर हरिद्वार के प्रांगण में अतिरिक्त टिकट काउंटर, आरपीएफ के फोर्स की व्यवस्था, बाकी हम लोग के और इंटर डिपार्टमेंटल टीम जिसमें विद्युत विभाग के लोग, दूरसंचार विभाग के लोग, ये सब भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। क्विक रिस्पॉन्स टीम का हम लोगों ने उनको नाम दिया है और वो हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक 24 आवर्स का कंट्रोल वहाँ पर वर्क करेगा। उसमें हर सेक्शन के लोग होंगे जो ये सुनिश्चित कर सकें कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हुई हो, साथ ही साथ ट्रेनों का संचालन भी सुचारू रूप से हो रहा हो। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी वहाँ पर रहेगी रेलवे की तरफ से। 3 डॉक्टर भी हम लोगों ने वहाँ पर, 2 डॉक्टर हम लोग के दिल्ली से डाइवर्ट करके भेजे गए वहाँ पर, 1 डॉक्टर हमारे पैसे ही हरिद्वार में रहते हैं। ये 3 डॉक्टर भी वहाँ पर हर समय उपलब्ध रहेंगे कि अगर स्टेशन पर कोई मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो उसको इमीडिएटली हैंडल करा जा सके। ये हम लोग के मुख्यता वो हैं। बट हरिद्वार स्टेशन के अलावा जो बगल के स्टेशन हैं, जैसे ज्वालापुर है, मोतीचूर है, ऋषिकेश है और आगे आए हम लोग तो रुड़की है और हापुड़ है, गढ़मुक्तेश्वर है, ये भी हम लोग के ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर कि हम लोग ने अपनी कुछ एडिशनल कमर्शियल साइट से भी, आरपीएफ की साइट से भी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि यहाँ से जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी होती है। हाँ, मैंने आपको ऐसे बताया जो दिल्ली शामली की हमारी एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड करा गया है। इसमें जो एक्सटेंड करने वाली ट्रेन है ये 740-23 और 740-22, 64557 और 64560 ये ट्रेन है जो अभी हरिद्वार नहीं जाती थी, लेकिन ये हरिद्वार तक एक्सटेंडेड रहेगी। सर, पब्लिक कन्वीनियंस के क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट्स है? वहाँ पे हम लोग ने मोबाइल टॉयलेट्स लगाने की व्यवस्था करी है और साथ में पीने के पानी के भी जो अतिरिक्त व्यवस्था वहाँ पर ज़रूरी है वो भी वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और अनाउंसमेंट सिस्टम जिससे कि लोगों को समय पे पता लगे कि कहाँ पे क्या जाना है, साइनेजेस की कौन से प्लेटफॉर्म से उनकी गाड़ी चल रही है, ये भी हम लोग के व्यवस्था के पार्ट हैं। सर, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच भी कुछ ट्रेन के बढ़ाने की कोई प्लानिंग है या कोच कोई रिजर्व रखा हुआ है कि कोई? एक रेक हम लोगों ने रखा हुआ है वहाँ पर रिजर्व, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में चला सकते हैं उसको एज ए रेगुलर सर्विस। हम लोग देखेंगे वहाँ भीड़ कैसी रहती है, यात्रियों का पैटर्न कैसा है, अगर हम लोग को लगेगा तो एज रेगुलर सर्विस भी हम उसे चला सकते हैं। सर, सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी का ऐसा है कि हम लोग ने 95 होम गार्ड्स स्टेट गवर्नमेंट से लिए हैं और तकरीबन इतनी ही संख्या में हम लोग का पुलिस बल जो है बाकी जगह से भी डाइवर्ट होकर आ रहा है,
और ये सभी जवान जो हैं हम लोग के आरपीएफ के जवान हरिद्वार में और आसपास के स्टेशन्स पे गढ़मुक्तेश्वर के पास में जहाँ से श्रद्धालु लोग काफ़ी जाते हैं, इन सब जगह पे तैनात रहेंगे। और अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो किसी और जगह से भी हम लोग डाइवर्ट करने का प्लान बनाएंगे। करने के लिए सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी हरिद्वार में काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ टेम्परेरली भी हम लोग करीब 10 स्टेशन पे अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा को लगाने का, जिससे लोग मॉनिटर कर सकें सेंट्रल लोकेशन से। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो ट्विटर पे पैसे लेते हुए टैग करने का वीडियो था, इसका हालांकि हम लोगों ने रिप्लाई भी भेजा है, ये एक पुराना वीडियो है और ये सूरत स्टेशन का वीडियो है। और इस वीडियो के मतलब निकलने के बाद आरपीएफ ने इस जवान को सूरत स्टेशन से नौकरी से भी निकाल दिया था, तो आज की तारीख में जवान नौकरी में नहीं है। और आप ये मान लें कि अगर कोई भी ऐसी घटना या सूचना किसी प्रूफ के साथ अगर मुरादाबाद मंडल के किसी भी कर्मचारी, चाहे वो आरपीएफ का हो या किसी और डिपार्टमेंट का हो, तो हम लोग की तरफ से उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी।